महागठबंधन के पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं महागठबंधन के नेतागण, खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है और बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं इस यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित वो सारे साथियों को इस षड्यंत्र को विफल करना है। इसकी शुरुआत भी नीतीश बाबू ने 2006 में की थी जब एपीएमसी की मंडियां खत्म की थी। क्या मोदी जी और नीतीश बाबू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खत्म हो जाएं, अगर कुछ रहे ही ना, तो किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? 15.5 करोड़ किसान देश में है एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक, और अगर मुझे सही याद है तो 1 करोड़ 75 लाख के करीब बिहार प्रदेश में। तो क्या आप उनके खेत में जाकर एमएसपी देंगे? एफसीआई तो 42,000 देश की मंडियों में एमएसपी नहीं दे पाती, तो खेत में कैसे देंगे? इसीलिए आपने वादा किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहले विधानसभा के सत्र में इन तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने का कानून पारित तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी महागठबंधन की सरकार करेगी और किसान को गुलामी की इस बेड़ियों से जो भाजपा ने डाली है उनसे आजादी दिलवाएंगे।